अगर मैं अपनी बात करूं तो आप अगर अपनी ऑइंटमेंट का रिजल्ट डबल देखना चाहते हैं, यानी कि अगर एक ऑइंटमेंट आपको एक हफ्ते से दो हफ्ते लगाता है तो उसकी अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं उसकी पावर को, तो क्लिंडामाइसिन एक ऐसा प्रोडक्ट है और आप कह सकते हैं एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपके एक्ने ऑइंटमेंट की पावर को इंक्रीज करता है। तो देखिए क्लिंडामाइसिन की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। आगे आप इसका पूरा डिटेल प्रोडक्ट रिव्यू देखेंगे, उसमें मैंने आपको दिखाया है किस तरीके का स्प्रे है, क्या क्या चीजें उसके अंदर है। वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज हिना एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल शॉपाहोलिक हिना। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लिंडामाइसिन मिस्ट स्प्रे के बारे में। तो यस, आपने सही पढ़ा था थंबनेल में, ये जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये है एक क्लिंडामाइसिन मिस्ट स्प्रे, और जो कि आपके एक्ने को हील करने में बहुत अच्छा कारगर है। इसकी पैकेजिंग देखेंगे, रेट देखेंगे और ये कितना काम करता है स्किन पे ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसकी पैकेजिंग कैसी है और क्या क्या इसके अंदर रिसीव होता है, तो चलिए पहले वो हम देख लेते हैं। जिस तरीके की आउटर पैकेज आता है मिस्ट स्प्रे का, ये है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट टॉपिकल सॉल्यूशन यूएसपी, जिसका नाम है क्लिंडक ए। आप इसे देखेंगे मार्केट में ये मिस्ट स्प्रे आपको मिलता है, ये प्योरली इसके अंदर 1% क्लिंडामाइसिन है। और अगर आप जानते नहीं है तो बता देती हूँ कि क्लिंडामाइसिन जो है वो आपके एक्ने के बैक्टीरिया के ग्रोथ को काफी ज्यादा हेल्प करता है ग्रोथ ना होने के लिए। तो यानी कि एक तरीके की एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। तो जैसे कॉम्पोजिशन पे अगर आप जाएंगे तो देखें यहाँ पे मेंशन है क्लिंडामाइसिन, एंड यहाँ पे लिखा है स्प्रे ट्वाइस डेली ओनली ऑन अफेक्टेड एरिया और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। सो बिल्कुल जैसा आपके फिजिशियन ने बोला होगा बिल्कुल उसी तरीके से स्प्रे करना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा है कि ट्वाइस इन अ डे से आपको स्प्रे करना होगा। चिल्ड्रन यानी बिलो 12 इयर्स ऑफ एज आप इसे नहीं यूज कर सकते हैं, ओरली नहीं लेना है, आईज एरिया से कॉन्टेक्ट से आपको दूर रखना है। इसमें मेंशन है डायरेक्शन फॉर यूज जो कि है प्लेस योर फिंगर ऑन द स्प्रे पंप एट सुटेबल पोजीशन, यानी जहां पे भी आपको करना है वहां से थोड़ा दूरी बना के देन स्प्रे कीजिएगा। यहाँ पे मेंशन है बैक एक्ने के लिए, तो बैक एक्ने के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है, और अभी मैं बताऊंगी इसे फेस पे कैसे यूज करना है। बाकी अगर आप एक बार अपने फिजिशियन से कांटेक्ट कर ले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये स्प्रे आपको फेस पे लेना है या नहीं लेना है इसमें यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, तो ये आपके डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करेंगे। देन यहाँ पे मेंशन कर रखा है क्लोज द कैप आफ्टर यूजिंग दिस सॉल्यूशन। कुछ इस तरीके के पैकेजिंग है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है 2019 की और 2021 तक की आपको इसकी एक्सपायरी मिलती है, तो यानी लगभग 2 साल तक आप इसे यूज कर सकते हैं। एक एलकेम लेबोरेटरी से है और इसकी एमआरपी आपको लगभग 420 के लगभग ये कॉस्ट करेगा। सारी चीजें इसमें लिखा है किसको यूज करना है किसको यूज नहीं करना है, ये कोई आम मिस्ट स्प्रे नहीं है और इसके अंदर कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है। देखिए 12 इयर्स ऑफ एज यूज ना करें, और अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी हैं इसके, तो सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। शेल्फ लाइफ लिखी है 18 मंथ्स की, 100 ml की बॉटल है, स्प्रे बॉटल है और प्लास्टिक बॉटल में आता है। देन हम बात कर लेते हैं, तो ये है बॉटल जो मैं आपको बता रही थी, बाकी आप देखिए सेम चीजें अंदर मेंशन है। एंड ये है इसकी नोजल, आप देख सकते हैं, ये देखिए स्प्रे बॉटल है ये, तो देखिए इस तरीके से आप इसे स्प्रे कर सकते हैं, ये इस तरीके से निकलता है। आप चाहे तो इसे डैब भी कर सकते हैं इस तरीके से, नहीं तो आप लीव इट इस तरीके से भी छोड़ देंगे तो चलेगा। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, इसको यूज करने के बाद हो सकता है आपको बर्निंग सी हल्की फील हो, जलन सी हो सकती है, एंड कई बार इचिंग होने लगती है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ सेकेंड में फेड ऑफ हो जाती है, लेकिन नहीं होती तो इसका मतलब ये आपको सूट नहीं कर रहा है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्लिंडामाइसिन है, एंड साथ ही साथ इसका जो बेस होता है वही इन्होंने लिया हुआ है। और अभी मैं आगे आपको बताऊंगी किस तरीके से यूज करना है, बाकी ये एक दिन में 2 बार करना होता है, मॉर्निंग या आफ्टरनून या मॉर्निंग एंड इवनिंग आप कर सकते हैं यूज। और इसको अप्लाई करने के बाद आप इसे डे में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ टू यूज है। और इसको अप्लाई करने के बाद आप चाहें तो बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन वही है सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें। सो ये था आपका क्लिंडामाइसिन, अब चलिए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए आपको बता देती हूँ कि इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने हर एक चीज के बारे में बताई, यानी हर एक स्टेज पर माइल्ड मॉडरेट और सिवियर एक्ने पर जो इश्यूज होते हैं, कौन सी ऑइंटमेंट आप यूज कर सकते हैं, ये सारी बातें मैंने उसके अंदर कवर करा था।
आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक्चुअली क्रिंडामाइसिन होता क्यों है और क्यों इसे आप एक एक्ने का एक आप सपोर्ट है ये, यानी इसके बिना कोई भी एक्ने की मेडिसिन कंप्लीट नहीं होती है। सो एक्चुअली क्रिंडामाइसिन जो होता है वो 1% कॉन्सेंट्रेशन में आता है। ज्यादातर आप चाहे तो ऑइंटमेंट के फॉर्म में लें, चाहे तो मिस स्प्रे में लें, या फिर अलग अलग सोप वगैरह इस तरीके के अलग अलग फॉर्म में ये आता है क्रिंडामाइसिन। किसी भी फॉर्म में लेंगे तो उसमें आपको 1% कॉन्सेंट्रेशन ही ज्यादा दर में आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली क्रिंडामाइसिन करता क्या है, ये एक एंटी बैक्टीरियल और आप कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए क्रिंडामाइसिन एक्चुअली यूज किया जाता है। क्योंकि एक्ने के अंदर आप देखेंगे कि ज्यादा फ्लेमेशन होती है, काफी रेड हो जाते हैं, काफी बम्पी होते हैं वो, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो ऑयल होता है, अननेसेसरी ऑयल जो आपके स्किन पर आता है, उसमें जब आपके बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं तो ही होता है वही कंडीशन पे आपके एक्ने सिवियर हो जाते हैं। तो उस केस में आपको एक ऐसी चीज चाहिए होती है जो ऊपर से उसे हील करे और एक ऐसी ऑइंटमेंट हो जो इंटरनली आपके स्किन में जाकर उस बैक्टीरिया उस ऑयल का प्रोडक्शन जो है उसको रिड्यूस करे। तो एक्चुअली क्रिंडामाइसिन इसी चीज में काम आता है, ये आपके ऑयल को ड्राई आउट करने का काम करता है, साथ ही साथ ये आपके जो बैक्टीरिया है उसको किल करने का काम करता है, यानी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है तो वो बैक्टीरिया को वहीं पर स्टॉप कर देता है। साथ ही साथ जब आपके माइल्ड मॉडरेट और आप कह सकते हैं कि सीवियर एक्ने की प्रॉब्लम होती है तो अलग अलग स्टेजेस पे आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑइंटमेंट होते हैं, जैसे कि आप स्टार्टिंग पॉइंट पर यूज करते हैं बेंजैक, देन सेकंड आप एडिप्लीन, देन इस तरीके से आप एक्सीड करते हैं। देखिए अभी तक आपने वीडियो देख ली होगी तो आपको पता चल गया होगा किस तरीके की पैकेजिंग है, किस तरीके से स्प्रे होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसको यूज एक्चुअली करना कैसे है। इसको यूज ऐसे करना है कि आपको इसे इन अ डे 2 बार यूज करना है, यानी 2 बार स्प्रे करना है, यानी जहां पर भी एक्ने है आप चाहे तो ऑल ओवर फेस भी स्प्रे कर सकते हैं। 1 से 2 स्प्रे ही आपको ऑल ओवर फेस पे करना होगा। मॉर्निंग में जब आप फेस को वॉश कर लेंगे इसको आपको स्प्रे करना होगा, इस तरीके का डिस्टेंस आपको लेना होगा। जब ये हल्का ड्राई आउट हो जाए देन उसके ऊपर आपको ऑइंटमेंट अप्लाई करनी होती है, जो भी ऑइंटमेंट आपके स्टेज के अकॉर्डिंगली आपको दी गई है। तो इसको लगाने के बाद आपको हल्की सी बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, टिंगलिंग हो सकता है, आपको इची सी फील हो सकती है, लेकिन वो कुछ ही सेकंड में जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो यानी कि इससे ज्यादा अगर आपको इसे फील होता है ये सब, तो इसका मतलब है कि ये आपको सूट नहीं कर रहा है, इमीडिएट इसे स्टॉप कर दीजिए। इजिली मार्केट में ये अवेलेबल है, बैक एक्ने के लिए भी ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है बॉडी के किसी भी पार्ट में, लेकिन आप फेस पे तभी इसे यूज करेंगे जब आपके डॉक्टर इसे रेकमेंड करेंगे। कंफर्म कर लीजिएगा डॉक्टर से यूज करने से पहले, देन ओनली ही आप इसे यूज कर सकते हैं। क्रिंडामाइसिन की एक खासियत ये भी है कि एक तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप इसे मॉर्निंग में नहीं लगा सकते हैं, मॉर्निंग में इसे लगाकर आप जा सकते हैं सनस्क्रीन को यूज करते हुए, तो इस तरीके का बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं है कि एक ही टाइम यूज करना बाकी सारा दिन आपका ऑयल का प्रोडक्शन रहेगा। तो मॉर्निंग और इवनिंग जब आप इसे यूज करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि आपकी स्किन ड्राई आउट हो रही है। आप कह सकते हैं कि विंटर में आपको परेशान कर सकता है, जिनकी खासकर कॉम्बिनेशन स्किन है तो हो सकता है उनके चीक के एरिया में ड्राई आउट ज्यादा हो, तो मैं यही बोलूंगी उस टाइम पर जहां पर भी आपको एक्ने हो सिर्फ वहीं पर ही स्प्रे आउट करें, और साथ ही साथ मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन इस तरीके के आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो आप अगर अपनी ऑइंटमेंट का रिजल्ट डबल देखना चाहते हैं, यानी कि अगर एक ऑइंटमेंट आपको 1 हफ्ते से 2 हफ्ते लगाता है तो उसकी अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं उसकी पावर को, तो क्रिंडामाइसिन एक ऐसा प्रोडक्ट है और आप कह सकते हैं एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपके एक्ने ऑइंटमेंट की पावर को इंक्रीज करता है, यानी कि ये अंदर से काम कर रहा होता है आपके ऑयल आपके बैक्टीरिया को खत्म करने का, और वहीं जब आप ऊपर से हील करते हैं ऑइंटमेंट लगा के तो वो अपना काम कर रहा होता है। इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा परफेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है और काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आप चाहें तो ऑइंटमेंट के फॉर्म में, नहीं तो आप ये मिस स्प्रे भी ले सकते हैं। ये मिस स्प्रे मुझे काफी ज्यादा इजी रहता है क्योंकि स्प्रे फॉर्म में है, आप तुरंत स्प्रे करते हैं, ड्राई आउट हो जाता है, एंड देन आपके एक्ने हैं तो आप उसे स्पॉटली आप उस ऑइंटमेंट को लगाइए, जैसे भी आपके डॉक्टर ने बोला उसे अप्लाई कीजिए, आपको पहले ही दिन से रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपके काफी ज्यादा एक्ने हैं तो इसका जो रिजल्ट है कम से कम आपको 15 से 30 दिन का वेट करना होगा इसको यूज करने के बाद, बाकी आपको इसका काफी अच्छा आगे जाकर जो है रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड होता है। तो इसको फेस पे कैसे अप्लाई करना है मैं बता देती हूँ। तो देखिए ये है इसकी बॉक्स, जैसे कि आपने देख ही लिया है, एंड इस तरीके के आता है ये बॉटल, और सो इस तरीके का देखिए नोजल है इसमें,
यहाँ पर है, तो आपको बस इतनी ही दूर पे रखना है एंड दैट्स इट। आपको अपनी आंखें बचानी है, आंखों में ये जा सकता है, बहुत इचिंग क्रिएट करेगा, या आपके नोज के अंदर जाएगा तो बहुत इचिंग करेगा। तो ये बिल्कुल यूजुअली यानी ये बिल्कुल नॉर्मल है, होता है, लेकिन फ्यू सेकंड में ये ड्राई आउट हो जाता है या फिर फेड ऑफ हो जाता है। देखिए फेस पर यूज करने का एक और तरीका है, स्प्रे आउट करने के बाद आप टिश्यू से हल्का सा डैम कर लीजिए, ताकि जो उसका एक्सेस है, काल है, या फिर जो भी आपका टिश्यू है उसके अंदर हल्का ऑब्जर्व हो जाए। बिल्कुल लाइट हाथों से आपको करना होगा, बाकी मुझे जरूरत नहीं पड़ती, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो जब आपको स्किन के अंदर आपके थ्रू पोर्स जाएगा तो ही अच्छा एक्शन कर पाएगा, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर होती है तो जैसा मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि कोई भी मेरे पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस प्रोडक्ट से रिलेटेड कि ये मेरे स्किन पर कैसा काम कर रहा है, सिर्फ वही चीज आपके साथ शेयर करती हूँ। आप अपनी चीजें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही इन चीजों को यूज करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो हो सकते हैं कि मैं सॉल्व ना कर सकूं, अगर आप डॉक्टर के कंसल्ट से चीजें यूज करते हैं तो वो आपको हेल्प आउट करने में इजी होते हैं। तो इसी वजह से मैं आपसे बोलती हूँ कि आप जो भी चीज यूज कर रहे हैं एक बार प्रोफेशनल एडवाइस ले लें, देन ओनली ही आप इसे यूज करें। बाकी ये ऑनलाइन और नियरेस्ट स्टोर्स पर अवेलेबल है। बैक पे सबसे ज्यादा ये अच्छा क्यों काम करता है, क्योंकि आपके हाथ नहीं जाते एंड ट्यूब आपको पता है 30 ग्राम्स इतनी ही क्वांटिटी में आती है, सो ये स्प्रे काफी ज्यादा अच्छा रहता है। पूरे बैक पे आप अपना स्प्रे कर लीजिए, चेस्ट जहां पर भी आपको एक्ने होते हैं स्प्रे आउट कर लीजिए एंड दैट्स इट, आपको और कुछ नहीं करना है। तो ये इन चीजों में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है, मेसी नहीं होता है, पोर्टेबल साइज है, 400 समथिंग में आपको ये मिल जाता है, जो कि आपको 100 ml में मिलता है, क्वांटिटी भी काफी अच्छी है, प्रोडक्ट का आपको फर्स्ट टाइम से ही काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको थोड़े लंबे टाइम तक इसे यूज करना होगा, ताकि जो ग्रोथ है जो इतने टाइम से आपके बॉडी के अंदर चल रही थी वो सारी चीजें खत्म होने में थोड़ा टाइम लेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, लेकिन ये रिजल्ट आपको काफी ज्यादा डिसेंट देता है, काफी ज्यादा अच्छा देता है। तो आई होप कि आपने इससे पहले मेरी एक्ने रिलेटेड वीडियोस को देख लिया होगा, चाहे वो आपका बेंजोइल हो, क्योंकि मैंने हर एक वीडियो बना रखी है एक्ने से रिलेटेड। एक्ने ट्रीटमेंट पे जाकर आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट पे, तो वहां पर आपको हर एक चीज मिल जाएगी, चाहे वो रेटिनॉइड है, चाहे वो आपका एक्ने से रिलेटेड है। तो जो एक्ने की पूरी वीडियो है, थोड़ी लंबी वीडियो है, लेकिन अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी एक्ने का एक फुल ट्रीटमेंट, इवन आप अगर डॉक्टर के कंसल्ट में है तो आप जरूर टैली करके देखिएगा, आपके डॉक्टर ने फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज पर इसी तरीके के ऑइंटमेंट दिए होंगे। फिर क्लिंडामाइसिन मिस स्प्रे, या आप इसे जो डियो कह सकते हैं, किस तरीके से आप अपने बॉडी अपने फेस पर यूज कर सकते हैं आपके ऑयल्स और आपके बैक्टीरिया के साथ, तो इसीलिए मैं आपको ये बोलती हूँ कि इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा, कंसल्ट कर लीजिएगा। बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं कमेंट में कीजिएगा, और अगर आपके नियर एंड डियर को किसी भी इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप चाहे तो मेरा प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।